हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस डिटेल्स की अभी जो लेटेस्ट वैकेंसीज आई थी उसके लिए अप्लाई किया था तो ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में बेसिकली हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक ये अपडेट निकल के आ रहा है, 5 मिनट पहले ये अपडेट आया, सबसे पहले आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ, जहाँ पे पैसे लेकर आपको जॉब ऑफर की जा रही है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, पोस्ट ऑफिस डिटेल्स के बारे में। इसी के साथ साथ कम परसेंटेज का क्या यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हैं, उनके बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर चलकर। तो आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। बाकी इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी अलग अलग वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं, जिसके लिए आप अपनी क्वालिफिकेशन अपने सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वेबसाइट देख भी पा रहे हैं। गूगल पे टाइप करेंगे आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना और फेसबुक पेज पे जरूर फॉलो करना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं आपको सबसे पहले वहां पर ही अपडेट दे देती हूँ, सबसे पहले यूट्यूब में वीडियो डालने से भी पहले, तो वहां पर आप जरूर से फॉलो कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। चलिए ज्यादा टाइम वाले तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट डीटीएस के बारे में, जहां पर मैंने आपको बताया दो चीजें बेसिकली डिस्कस करने वाले। इसके अलावा आप हमारा चैनल देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया, वेरीफाइड चैनल है, आप यहाँ पे सारी वीडियोस को देख सकते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, इसके लिए भी आप एलिजिबल और यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं देखिए इंडिया पोस्ट डीटीएस के बारे में, जहाँ पे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या 3 लाख रुपए देके जॉब ऑफर की जा रही है, क्या ये अपडेट निकल के आ रहा है। इसके अलावा क्या लो परसेंटेज जिनकी है उनके यहाँ पे चांसेस है सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन के, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। वन बाय वन में आपको एग्जैक्टली यहाँ पर अपडेट बताने वाली हूँ, एग्जैक्टली ये क्या अपडेट है जो निकल कर आ रहा है आप सभी कैंडिडेट के लिए, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वो कैंडिडेट जिनके कमेंट्स आ रहे कि यहाँ पे 3 लाख रुपए देके जॉब ऑफर की जा रही है, ये इस बात का क्या सच है, क्या है ये अपडेट एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं 3 लाख रुपए वाला जो मामला है, इसमें आप सभी को पता है इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई थी, ये अपडेट निकल के आया था कि कैंडिडेट जो है, आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ कैंडिडेट है जो अरेस्ट भी किए गए हैं, या मैं बोलूँ उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ठीक है। तो उन्होंने पूछताछ में क्या बताया है, तो यहाँ पे जब उन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आई सबसे पहले देखिए, उन्होंने जो फॉर्म यहाँ पे अप्लाई किया उन्होंने बताया कि हमने साइबर कैफे के थ्रू ये फॉर्म अप्लाई किया था। मेरे पास बहुत सारी कैंडिडेट के कमेंट्स भी आते रहते हैं कि हमने साइबर कैफे में पता किया, ये फॉर्म वहां नहीं है, ये फॉर्म वहां नहीं है। सबसे पहले तो यहां पे देखिए, जो मैं अपने चैनल की बात करूं तो आपको कोई भी अपडेट बताती हूं, हमेशा ऑनलाइन फॉर्म या ऑफलाइन फॉर्म प्रोवाइड आपको किया जाता है। मैं आपको हमेशा बोलती हूं आपको साइबर कैफे जाके पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है, क्या आप एक फॉर्म फिल नहीं कर सकते खुद से। अगर आप खुद से फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो मैं तो सीधा बोलूंगी आप जॉब क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर प्रॉब्लम, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक मेजर अपडेट आज मैं लेकर आ चुकी हूं। जैसे कि मैंने आपको अनअकैडमी गेम चेंजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, अब नेक्स्ट लेवल नए प्रोडक्ट के साथ आया है नेक्स्ट लेवल AI रिज्यूम बिल्डर। आप वर्ल्ड क्लास रिज्यूम यहां पे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ ही मिनट्स आपको लगेंगे, जहां पे कुछ बेसिक सी डिटेल्स एंटर करके आप अपने रिज्यूम यहां पे तैयार कर सकते हैं। रिज्यूम के सारे फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पर फिल होंगी अकॉर्डिंग टू द करंट जॉब मार्केट। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ईजी और टाइम भी नहीं होगा इसमें सही वर्ड्स फाइंड करने में। ये AI पावर्ड रिज्यूमे बिल्डर आपको बाकी की एप्लीकेंट से एक कदम आगे रखेगा, आप किसी भी डोमेन में रिज्यूम बना सकते हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट में। ये रिज्यूम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली टॉप लेवल का रहेगा और आपके स्किल्स को शोकेस करेगा। अगर आपके पास PC या फिर लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी अपना रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं, जो स्टेप आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन स्टेप को फॉलो करके, और लिंक इसका आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करें लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, वो
साइबर कैफे में गए, उनका ये कहना है कि साइबर कैफे वालों ने हमें बोला कि आपकी लो परसेंटेज को हाई बना देते हैं। हाई का मतलब जैसे मान लीजिए किसी के 65% है, वहाँ 70 मेंशन कर दी, किसी के 75 है वहाँ 85 के अराउंड मेंशन कर दी, 85 की 90 यहाँ पे मेंशन कर दी। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है, यहाँ पे क्या मामला है कि 3 लाख रुपीज का जो एग्जैक्ट अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि 3 लाख रुपीज यहाँ पे मांगी जा रही है कैंडिडेट को, GDS की जॉब ऑफर की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए इसकी अगर बात करें इस अपडेट से क्या फायदा हो सकता है अगर आपको मैं बताऊं, तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब डॉक्यूमेंट चेकर जो आपके सामने होते हैं जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं चेक करते हैं, तो उनको या तो ऑफर किए जाते हैं कैंडिडेट की तरफ से, या तो ये हो सकता है या ये भी हो सकता है जब उन्होंने अप्लाई किया उनको तब उनसे पैसे लिए गए ताकि उनका नाम जो है, नाम कैसे आएगा लिस्ट में अगर उनकी हाईएस्ट परसेंटेज होगी। अब हाईएस्ट परसेंट यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं है, यहाँ पे जब आपकी लिस्ट जनरेट की जाती है ना तो वहां पे कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है कि जो आपकी मेरिट लिस्ट रिलीज करेगा, वो एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही वो लिस्ट जो है वो आपकी उसके अकॉर्डिंगली मेरिट बनती है। अब देखिए मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने अप्लाई किया, किसी भी सर्कल की आप बात ले लो, ठीक है मान लो उसकी हाईएस्ट परसेंट वहां पर 99% आ रहे हैं, चाहे उसके हो भी ना, उसने किसी के पीछे लग के या कोई शरारत के चलते वहां पे मेंशन कर दिया, तो वहां पे सॉफ्टवेयर क्या है 99% को वहां पे उठाएगा। अब काफी सारे ऐसे लोग थे जो फर्जी जिन्होंने अपने मार्क्स मेंशन कर दिए थे, पहले तो वो डर के मारे विजिट के पहुंचे ही नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अगर आपने देखा होगा बहुत सारी रिजेक्शन यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो ऐसे चक्करों में तो आपको कभी पढ़ना ही नहीं है कि पैसे देके आपको जॉब मिल जाएगी, नो, आपको जो भी आपके जेन्युइन मार्क्स है वही मेंशन कीजिए, आपका लक होगा आपका नाम उसमें आएगा, लक नहीं होगा तो नहीं आएगा अगर मेरिट लिस्ट की मैं बात करूं, क्योंकि लक भी मैटर करता है, आप मानो या ना मानो, मैं तो मानती हूं कि लक भी आपका मैटर करता है, लेकिन आपको जेन्युइन मार्क्स ही लिखने चाहिए। अब सेकंड यहां पे चीज आ रही है कि कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हमारे मेरिट लिस्ट जो सेकंड आने वाली है उसमें हमारे चांसेस है कम परसेंटेज के। देखिए अगर कम परसेंटेज की अगर हम यहां पे बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है, यहां पे कुछ ही मार्क्स का डिफरेंस हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी लोकेशन की अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मैं बात करूं, पहली लिस्ट की बात नहीं करूंगी जहां पे 100% भी मार्क्स है, ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी 99% या फिर 98% भी कैंडिडेट की है, ठीक है, हाईएस्ट की अगर बात करो तो उसमें क्या है कि अगर जो लोग तक जा रहे हैं कैंडिडेट हाई कट ऑफ से उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1-2% का डिफरेंस हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। बाकी जब भी ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊंगी। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।